हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ आस्था फ्रेंड्स आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू यूजीसी नेट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला टू डिटरमाइन एंड कैलकुलेट द कट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन यू नेट ओके एंड वी विल डिस्कस वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन यू नेट एंड जे स्पेशली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो यू फील्ड में नए हैं या जिनको नहीं पता है कि यू नेट एग्जाम्स में कट ऑफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ओके okay? मैंने ट्राई किया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तभी आप कंसेप्ट को समझ पाएंगे ओके सो लेट स्टार्ट फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कट ऑफ इन यू जी सी नेट यू नीड टू बी क्लियर विथ थ्री फैक्टर्स दी फर्स्ट वन इज़ योर सब्जेक्ट आप किस सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं पॉपुलर और अन पॉपुलर सेकेंड वन इज़ योर कैटेगरी आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं रिजर्व और नॉन रिजर्व्ड एंड थर्ड जो फैक्टर है वो है एम आप यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं या आपको नेट एंड जे आर एफ दोनों क्लियर करना है इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ ओके लेटर एज्यूम कि आपके सब्जेक्ट में टोटल हंड्रेड स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं यू एग्जाम के लिए आउट ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स जो टॉप सिक्स परसेंट स्टूडेंट्स होते हैं ओके okay, उनका ही यू नेट क्लियर माना जाता है फॉर एग्जाम्पल सिक्स परसेंट हंड्रेड का कितना होता है सिक्स तो जो सिक्स स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं का नेट क्लियर माना जाता है इसकी एक लिस्ट एन टी प्रिपेयर करता है जिसमें वो सभी नाम होते हैं जो सिक्स परसेंट स्टूडेंट्स ने नेट क्लियर किया है उनकी लिस्ट होती है इसमें जो सबसे लास्ट स्टूडेंट होता है ओके सिक्स पर्सन सिक्स स्टूडेंट जो होगा उसके जो परसेंटेज होते हैं उसके जो स्कोर्स होते हैं उन्हें हम मिनिमम कट ऑफ मानते हैं उस सब्जेक्ट का ओके okay? इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो सिक्स स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी है हंड्रेड स्टूडेंट्स में जो सिक्स स्टूडेंट्स टॉप सिक्स परसेंट स्टूडेंट्स जो लिस्ट में हैं उनके जो पहला स्टूडेंट है टॉप रैंकर जो हैं उसका परसेंटेज है सेवेंटी एट परसेंट और जो लास्ट स्टूडेंट है सिक्सथ वन उसका परसेंटेज है सेवेंटी वन परसेंट तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो मिनिमम कट ऑफ आएगा वो सेवेंटी वन परसेंट होगा ओके आई होप क्लियर हो गया है ओके बट ये कैटेगरी वाइज वरी करता है कैसे करता है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी ओके अब हम बात कर लेते हैं जे की वॉट इज जे आर एफ जे आर एफ इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप ओके okay. the people who clear NET with slightly higher percentage then they are given scholarship by the government of india to pursue their phd okay एच डी ओके इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू उनको फेलोशिप मिलती है अपनी पी एच डी कंप्लीट करने के लिए जो टॉप रैंकर्स होते हैं जो हाइएस्ट परसेंटेज से इसको क्लियर करते हैं ओके ये होता है वन परसेंट टॉप जो वन परसेंट रैंकर्स सिलेक्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड स्टूडेंट्स अपी हो रहे हैं यू नेट के एग्जाम्स के लिए उसमें से जो टॉप वन परसेंट रहेंगे उन स्टूडेंट्स को जे आर एफ क्लियर माना जाता है अगर हंड्रेड है तो यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है जिसे ये जे आर एफ क्लियर माना जाएगा ठीक है तो वन परसेंट रहता है टोटल जो भी स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं उसमें जो हाइएस्ट रैंकर रहता है टॉप वन परसेंट वो स्टूडेंट्स का जे आर एफ क्लियर होता है ओके इस तरह से जे आर एफ की कट ऑफ भी अलग से कैलकुलेट की जाती है तो ये डिफरेंस है नेट एंड जे आर एफ में आई होप क्लियर हो गया है अब बात करते हैं कि आप हाउ टू कैलकुलेट कट ऑफ इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट्स सी दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पॉपुलर एंड नॉन पॉपुलर अनपॉपुलर ओके पॉपुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं इंग्लिश इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट ओके ये सभी पॉपुलर सब्जेक्ट्स होते हैं अनपॉपुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं डांस उर्दू म्यूजिक संस्कृत इस तरह के सब्जेक्ट जो कम पॉपुलर होते हैं अनपॉपुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ हमेशा पॉपुलर सब्जेक्ट से कट ऑफ से ज़्यादा आता है इसका रीज़न ये है कि जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर होते हैं और नेट क्लियर ज़्यादा स्टूडेंट्स का होता है फॉर एक्ज़ाम्पल अगर पॉपुलर सब्जेक्ट में हंड्रेड स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं लेट्स से थाउजेंड स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं पॉपुलर सब्जेक्ट में ओके okay? तो थाउजेंड का सिक्स परसेंट कितना होता है सिक्सटी स्टूडेंट्स इस कंडीशन में पॉपुलर सब्जेक्ट में जहाँ थाउजेंड स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं सिक्सटी स्टूडेंट्स का नेट क्लियर होगा बट वहीं अनपॉपुलर सब्जेक्ट में अस अज्यूम कि हंड्रेड स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं ओके इन दैट कंडीशन हंड्रेड का सिक्स परसेंट कितना होता है सिक्स तो अनपॉपुलर सब्जेक्ट में जो जिन स्टूडेंट्स का नेट क्लियर होगा वो सिर्फ सिक्स स्टूडेंट्स का क्लियर होगा तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना होने वाला है डिफिकल्टी लेवल क्या है आपके पेपर का उस पर भी डिपेंड करता है और प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ़ रहते हैं उन सब बातों को अगर हम एक साथ एनालाइज़ करते हैं तो हम कट ऑफ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ओके ये होती है पूरी प्रोसेस कट ऑफ़ कैलकुलेट करने की नॉर्मली जो मैंने कैलकुलेट किया है अभी तक जो भी पॉपुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स है मैनेजमेंट है इंग्लिश है इकोनॉमिक्स है कॉमर्स है इन सब्जेक्ट्स में नॉर्मली जो कट ऑफ आता है ये मैं प्रीवियस जो तीन चार साल के कट ऑफ रहे हैं अब तक उनके बेसिस पे आपको बता रही हूँ फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट जाता है और जो अनपॉपुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेवेंटी टू एटी परसेंट जाता है ओके okay. अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज हम कैसे देख सकते हैं अगर आप रिज़र्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लाइक एस सी एस टी ओ बी सी या और कैसी कैटेगरी को रिजर्व कैटेगरी को तो आपके कट ऑफ का सिक्स टू एट परसेंट हमेशा कम रहेगा कंपेयर टू जनरल कैटेगरी पीपल ओके तो आपके लिए क्लियर करना थोड़ा ईजी हो जाता है बिकॉज आपका जो कट ऑफ़ आता है रिज़र्व कैटेगरी पीपल का सिक्स टू एट परसेंट कम आता है वही कट ऑफ़ अगर हम जे की बात करते हैं तो नेट से जे का जो कट ऑफ रहता है वो हमेशा सेवन टू एट परसेंट हायर रहता है ओके okay? अब कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में आपके पास क्या टारगेट है वो डिसाइड करने में आपकी स्ट्रेटेजिस्ट प्लान करने में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कट ऑफ अगर आपके पास कट ऑफ होता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से प्लान करना है क्या प्रिपरेशन करनी है आपके पास एक टारगेट होता है जिसे आपको हिट करना होता है ओके okay? तो इस तरह से हम कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं आई होप आपको इजीली एक्सप्लेन हो गया होगा समझ में आ गया होगा अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली आपको सब्जेक्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बताऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप किस सब्जेक्ट का कट ऑफ जानना चाहते हैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है एक से दो परसेंट वन टू टू परसेंट ये वारी कर सकता है बट येस yes, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा कट ऑफ क्या होने वाला है अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम का कट ऑफ़ मैं आपसे शेयर करूं, तो आप मुझे सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए कमेंट करके कि आप किस सब्जेक्ट का कट ऑफ देखना चाहते हैं मैं आपसे शेयर कर लूँगी ओके okay? अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ में आपसे शेयर कर शेयर करती रहती हूँ और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा Thank you.